Hello student, today we start the another unit of subject basic mechanical engineering of electrical branch second semester. Now this unit second, name of this unit second is IC engines and gas turbine. IC engine and gas turbine. Now first you know about the, what is mean by the IC engines. ये IC engine क्या है इसके बारे में देखते हैं. तो IC engine क्या है, ठीक है, उसके बारे में देख. IC engine मतलब होता है इंटरनल कंबशन. पहले अपन देखते हैं कि इंजन के कितने टाइप्स है. तो इंजन के दो टाइप्स है, इंजन जो है इंजन के दो टाइप्स है. एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन. इंजन के दो टाइप्स है, एक है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है. तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन. तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन किसको बोलेंगे, किसको कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इसका नेम है एक्सटर्नल. जब कंबशन सिलेंडर के बाहर होता है, जब कंबशन सिलेंडर के बाहर होता है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन. और जब कंबशन इंजन के अंदर होता है उसको बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन. जब सिलेंडर के बाहर होता है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जब सिलेंडर के अंदर होता है तो उसको बोलेंगे इंटरनल कंबशन इंजन. और एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन. स्टीम इंजन इज अ एग्जांपल ऑफ द एक्सटर्नल कंबशन इंजन. और इंटरनल कंबशन इंजन का एग्जांपल है दैट इज हीट इंजन, दैट इज कॉल्ड एज अ पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन. ये एग्जांपल है इंटरनल कंबशन इंजन के. तो अपने सिलेबस में एक्सटर्नल इंजन नहीं है, इंटरनल कंबशन इंजन है. तो अपन देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन. तो इसमें इंटरनल कंबशन इंजन में पहला जो पार्ट है वह है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन और हाउ वी कैन क्लासीफाई द इंटरनल कंबशन इंजन और राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन. इंटर इंजन इंजन के क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन. तो इंजन के क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, इंजन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर वन टाइप ऑफ द फ्यूल यूज. तो इंजन में कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं उसी हिसाब से उसके टाइप्स है. तो पहला है पेट्रोल इंजन, दूसरा है डीजल इंजन, तीसरा है गैस इंजन, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द फ्यूल यूज इसके टाइप्स है. पेट्रोल इंजन पेट्रोल फ्यूल यूज़ किए तो उसको बोलेंगे पेट्रोल इंजन, डीजल फ्यूल यूज़ करेंगे तो डीजल इंजन, और ऑयल यूज़ करेंगे तो ऑयल इंजन, और बाद में गैस यूज़ करते हैं तो गैस इंजन. तो ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द फ्यूल यूज इसके टाइप्स है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और ऑयल इंजन एंड गैस इंजन. बाद में सेकंड टाइप से अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन. अब अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं. पहला है इसका टाइप ऑटो साइकिल. कौन सा टाइप से, ऑटो साइकिल या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं इसको, ऑटो साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. दूसरा है डीजल साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. और तीसरा है ड्यूल साइकिल इंजन, ड्यूल साइकिल. तो अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ ऑपरेशन, अभी जब जब कंबशन टेक्स प्लेस कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या ऑटो साइकिल. जब कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसको बोलेंगे डीजल साइकिल या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. जब कंबशन होता है अकॉर्डिंग टू द पार्शियली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर देन इसको बोलेंगे ड्यूल साइकिल इंजन, ठीक है, ड्यूल साइकिल. इसी प्रकार से इसके टाइप से अकॉर्डिंग टू साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल या पार्शियली कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल. थर्ड इसका क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द स्ट्रोक्स. अभी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द स्ट्रोक इसके दो टाइप्स है, फोर स्ट्रोक्स इंजन और टू स्ट्रोक इंजन. दो टाइप्स इसके लिए, फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन. जब साइकिल कंप्लीट होता है फोर स्ट्रोक में, पूरा साइकिल ऑपरेशन फोर स्ट्रोक में होता है तो उसको बोलेंगे फोर स्ट्रोक इंजन.
और यदि पूरा साइकिल पूरा कम्बोशन एंड सब प्रोसेस जो है पूरी साइकिल ऑपरेशन यदि दो स्ट्रोक में होती है तो उसको बोलेंगे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। जब फोर स्ट्रोक में होती है तो उसको बोलेंगे फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, टू स्ट्रोक में होती है तो उसको बोलेंगे टू स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो ये होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द स्ट्रोक्स, तीसरा क्लासिफिकेशन। चौथा है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन ऑफ द फ्यूल, फ्यूल को कैसे जलाते हैं, फ्यूल कैसे जलता है उसके हिसाब से इसके फोर क्लासिफिकेशन है, फोर टाइप से इसके वाले क्लासिफिकेशन के वो है मेथड ऑफ इग्निशन के। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, पहला कौन सा है स्पार्क इग्निशन इंजन, दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन को SI इंजन बोलते हैं और कंप्रेशन इग्निशन इंजन को बोलते हैं CI इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन जो है यहाँ पे जो फ्यूल इग्निट होता है बाय द स्पार्क की वजह से होता है, जब फ्यूल को स्पार्क लगाएंगे स्पार्क की वजह से इग्निशन होगा तो उसको बोलेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। और जब एयर कंप्रेस होने के बाद में वहाँ पर जब फ्यूल इंजेक्ट करेंगे और कंप्रेशन की वजह से जब इग्निशन होता है तो उसको बोलेंगे कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। तो दो टाइप से इसको अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्निशन, स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बाद में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सिलेंडर, अभी इंजन में कितने सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, एक सिलेंडर यूज़ होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन, एक से ज़्यादा इंजन सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी सिलेंडर इंजन। तो इसके और टाइप्स है, कौन सा टाइप्स है अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सिलेंडर से, सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। तो एक सिलेंडर यूज़ होता है तो सिंगल सिलेंडर इंजन, एक से ज़्यादा है दो है तीन है चार है तो उसको बोलेंगे मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। बाद में इसका टाइप से अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम इंजन के टाइप से एयर कूल इंजन और दूसरा है वाटर कूल इंजन। जब कूलिंग के लिए एयर यूज़ कर रहे हैं एयर की वजह से यदि इंजन कूल होता है तो उसको बोलेंगे एयर कूल इंजन, और वाटर की वजह से इंजन कूल होता है वाटर सप्लाई करने के बाद में तो उसको बोलेंगे वाटर कूल इंजन। तो दो टाइप से कूलिंग सिस्टम के, एयर कूल इंजन है और वाटर कूल इंजन, ठीक है। ये है सिक्स टाइप्स। बाद में सेवन टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंजन इसके टाइप्स है। अभी स्पीड कम है तो लो स्पीड इंजन या स्लो स्पीड इंजन, स्पीड मीडियम है तो उसको बोलेंगे मीडियम स्पीड इंजन, और स्पीड ज़्यादा है इंजन की तो उसको बोलेंगे हाई स्पीड इंजन। इसी प्रकार से इसके टाइप्स हो गए हैं लो स्पीड इंजन या स्लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन एंड हाई स्पीड इंजन। ये होगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजन, इस प्रकार से इसके क्लासिफाई किए इंजन के, ठीक है। तो ये मतलब पहला टॉपिक में सेकंड यूनिट से पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट।